नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा और यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप अंग्रेजी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्ले लिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जो है उसे भी देख सकते हैं। और यदि आपको मैथ या रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो उसे आप चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ से आप लोग सब कुछ तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जो है वो है, यदि अंडर रूट 2n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप लोग कुछ समझिएगा। यहाँ पर यदि आपके सामने कहीं पर भी लिखा आता है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, अंडर रूट 2 बराबर यदि आपके सामने लिखा है x, तो इसका मतलब हुआ कि 2 बराबर ये अंडर रूट हटेगा तो आगे वाले मतलब जो बराबर के उधर होगा उस पर क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, किसी संख्या पर अंडर रूट लगता है यदि उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो वहाँ पर स्क्वायर लग जाता है। अब देखिए, इस सवाल में बात करते हैं हम लोग। सवाल में देखिए क्या बात करेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 2n बराबर कितना है, 64। अगर हम ये अंडर रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 2n बराबर 64 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी पावर। आप लोगों को इतना सवाल तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए 64 जो होता है वो होता है 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 6। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे 2n बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी आएगी, 2। तो 2n बराबर हो जाएगी 2 की पावर 6 × 12। अब देखिए, जब आधार समान होता है, जब आधार समान हो तो ऊपर जो होगी घातें होंगी वो समान हो जाएंगे, ठीक है। जो घातें कितनी है, यहाँ पर लिखा है n, यहाँ पर लिखा है 12, तो इसका मतलब हुआ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n बराबर कितना हमारा निकल के आएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है आपको 12, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर सवाल एक समझ में आ गया है तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर दीजिए कम से कम। अब चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में देखिए हमसे क्या कहा गया है, हमारे सामने एक बोर्ड मास लिखा हुआ है, 3 भाग, फिर ब्रैकेट है, फिर 8-5, फिर से भाग, फिर से ब्रैकेट। सबसे पहला काम होता है सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना। देखिए हम लोग सबसे छोटे ब्रैकेट को किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 भाग लगे, देखिए ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर 8 से 5 घटा लीजिए कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 3 बचाएगा, फिर से भाग लगा है यहाँ पर, और इसके बाद देखिए ब्रैकेट लगा है, फिर लिखा है 4 से 2 का कितना बचेगा, 2, भाग लगा। अब इस वाले ब्रैकेट को हल कर लीजिए कितना हो जाएगा, 13 × 2 = 26, 26 और 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 34, तो 34/13 हमारा इतना आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे, इसके बाद देखिए सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, कैसे करेंगे, 3 भाग लगे 3, देखिए ब्रैकेट लगा यहाँ पर, इसके बाद देखिए भाग लगा यहाँ पर है, फिर से ब्रैकेट लगा हुआ है, लगा लीजिए यहाँ पर है 2। देखिए भाग होता है, भाग की जगह पर अगर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो भिन्न पलट जाएगी, 13/ कितनी हो जाएगी, 34। आपको इतना सवाल तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 2 से जब काटेंगे इसे 2 जाएगा 17 बार, ठीक है, कितनी बार, 17 बार, तो हमारा कितना जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 भाग लगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 भाग, फिर से आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 13/17। हमारा इतना सिंपल हो चुका है, ठीक है, हमारा इतना आ चुका है। आगे इसे हल करेंगे, देखिए हो जाएगा 3 भाग, और इसे जब हल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 17/13, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा 51/13, और जब हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा इसे, देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × यहाँ पर हो जाएगा 13/51, हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है, 13/51। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 17 क्या होता है, 17 यहाँ पर आएगा, तो हमारा आएगा 13/17, 13/17 ऑप्शन नंबर सी में रखा है, 13/17, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 13/17। तो आपको सवाल नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, लिखा है 1+1/1+1/1+1/9 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए होती है मिश्रित भिन्न, मतलब इसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं लिंगड़ी भिन्न,
किस प्रकार से हल करते हैं, हल करने का तरीका क्या होता है। हल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें भिन्न को हल करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे भिन्न को हल करना और धीरे धीरे पूरी भिन्न हल होती चली जाएगी। देखिए बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक बटा, यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा एक बटा, यहाँ पर देखिए नौ एक का नौ एक दस बटा नौ, हमारा इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए हल करेंगे इसे जब, तो बराबर एक प्लस एक बटा एक प्लस नौ बटे दस हो जाएगा। इसके बाद देखिए हल करेंगे तो जाएगा एक प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दस बटे दस इक्कन दस नौ उन्नीस, इतना हो गया। और हल करेंगे हो जाएगा उन्नीस इक्कन उन्नीस दस उनतीस, उनतीस बटा उन्नीस, हमारा इतना आ गया है। आपको देखना है किस ऑप्शन देखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या पूछा गया है, यदि ए अपान बी बराबर पाँच बटा तीन हो तो ए प्लस बी अपान ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ए, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे, देखिएगा ए अपान बी बार देखा है हमें पाँच बटा तीन। देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। आप लोग सबसे पहले यहाँ से बी कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा ए अपान बी प्लस वन, यहाँ पर बचेगा बी कॉमन लीजिए हो जाएगा ए अपान बी माइनस वन, हमारा इतना हो जाएगा। बी से बी कैंसिल हो गया, देखिए हमारा कितना हो रहा है, ए अपान बी का मान कितना है पाँच बटे तीन, तो यहाँ रखिएगा पाँच बटे तीन प्लस वन अपान पाँच बटे तीन माइनस वन। अब इसे हल करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है हमारा, ऊपर हो जाएगा तीन इक्कन तीन पाँच आठ, ऊपर हो गया हमारा आठ बटे तीन पूरे के बटे। अब नीचे हमारा हो जाएगा तीन इक्कन तीन पाँच से तीन के दो, दो बटा तीन, हमारा इतना हो गया हल होके। इसके बाद देखिए तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा और दो इक्कन दो चक्कू आठ, तो हमारा कितना आया, सिर्फ ऊपर चार बचा है, तो इसका मतलब हमारा चार जो है सही ऑप्शन है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में रखा है हमें चार, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार। अब देखिएगा सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है हमसे, यदि ए अनुपात बी बराबर पाँच अनुपात आठ, बी अनुपात सी बराबर एक अनुपात तीन हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल अनुपात समानुपात का है और इसकी वीडियो मैंने जो है मैथ की क्लास में बना दी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर मैथ के चेक करिएगा प्ले लिस्ट और वहाँ से आप लोग अनुपात समानुपात को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिएगा सवाल कैसे लगाएंगे, ए अनुपात बी रखा है, बी अनुपात सी रखा है और ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा गया है। सवाल को लगाने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए पहले। देखिए हमें देखा है ए अनुपात बी कितना रखा है पाँच अनुपात आठ, फिर देखा है हमें बी अनुपात सी कितना रखा है एक अनुपात तीन। देखिए इसे क्या ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसकी गुणा इसमें कीजिए, तो देखिए पाँच इक्कन कितना होता है पाँच लिख लीजिए अनुपात लगाइए, फिर इसकी गुणा इसमें कीजिए आठ इक्कन आठ, फिर देखिए अनुपात लगाइए और आठ के यहाँ कितना होता है चौबीस, बस निकल के आ गया है पाँच अनुपात आठ अनुपात चौबीस। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है चौबीस, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाँच अनुपात आठ अनुपात चौबीस। अगर हमसे खाली पूछता कि ए अनुपात बी कितना होगा वो तो देखा था, मान लीजिए ऐसे कहता कि ए अनुपात सी कितना होगा, ए अनुपात सी तो हमारा कितना होता, तो पाँच यहाँ से उठाइए चौबीस यहाँ से उठाइए हो जाएगा कितना हो जाएगा पाँच अनुपात चौबीस। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कुछ भी पूछे किसी प्रकार से, अगर आपसे कहें सी अनुपात है तो हो जाएगा चौबीस अनुपात पाँच, इस प्रकार से आप सभी को बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, किसी कोड भाषा में लेटेंट कोड टीएलटी यानी हो तो उसी भाषा में पॉलिसी का कोड क्या होगा आपको बताना है। आप समझिएगा पहले यहाँ पर क्या था एल ए टी और है ए एन टी, इसका हो क्या गया हमारा, इसका हो गया है टी ए एल टी एन ई, हमारा इतना हो गया है। तो हमसे कहा गया है पॉलिसी पी ओ एल आई सी वाई, समझिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तीन शब्द हैं शुरुआत के जो तीन हैं वो यहाँ पर विपरीत हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए विपरीत हो रहे हैं और यहाँ वाले जो हैं वो भी यहाँ पर विपरीत हो रहे हैं, दिख रहा है आपको टी इधर हो गया ए इधर हो गया एन का एन रहा, इसी प्रकार से ए इधर रहा और एल टी चेंज हो गया। तो हमें क्या करना है, पहले देखिए ऐसे कर लेना तीन तीन का अलग कर लेना है, फिर देखिए चेंज करना हो जाएगा एल ओ पी हो जाएगा और आगे हो जाएगा बाई सी आई, हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन में रखा है ये। अब देखिएगा एल ओ पी बाई सी आई किस में रखा है हमें, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, एल ओ पी बाई सी आई ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है,
संबंध स्थापित करें मोची चमड़ा बढ़ई लकड़ी। तो मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि मोची जो है वो चमड़े पर काम करता है, चमड़े काम करता है, इसी प्रकार से बढ़ई जो है वो काम किसका करता है, लकड़ी का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी। इसके बाद देखिएगा अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है। अगला सवाल है किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा और गुणा को भाग लिखा जाए, माइनस को प्लस लिखा जाए, भाग को माइनस लिखा जाए। तो उस कूट भाषा में 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20 भाग लगा 20 का मान क्या होगा। आपको इस सवाल को हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम आपका क्या है, आप लिखेगा यहाँ पर 20, फिर इसके बाद देखना है हमें लिखा है प्लस, और प्लस को क्या लिखाता है गुणा, फिर से 20, फिर है माइनस। अब देखिए माइनस क्या लिखते हैं, माइनस को प्लस लिखते हैं, फिर है 20, फिर लिखा है गुणा, गुणा क्या लिखते हैं, गुणा को भाग लिखते हैं 20, फिर है भाग, और भाग को क्या लिखते हैं, भाग को माइनस लिखते हैं, माइनस 20। देखिए आप लोग जानते हैं बोर्ड में हल करना, सबसे पहले भाग हल करते हैं, तो पहले इतना हल करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 प्लस, और देखिए 20 20 ये भाग करेंगे 20 से 20 तो कट जाएगा, आएगा 1 माइनस 20, हमारा इतना आ गया है। अब हमें गुणा करनी होती है, तो गुणा करिए 400 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 माइनस 20, हमारा हो गया है 401 माइनस 20, कितना बचा है 300, और 1 का 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 से गया 1, 10 से 2 गया 8, मतलब इतना आएगा हमारा, आ जाएगा 381। हमारा 381 जो है आ चुका है। अब हमें इसमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा अगले सवाल में हमसे कहा गया है एक दुकानदार वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है, फिर उस पर 20% वृद्धि करता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है CP जो है वो कितना है, 100 रुपये है। अब आपसे कहा गया है कि दुकानदार मूल्य में 25% की वृद्धि करता है और फिर 20 और वृद्धि करता है, देखिए 100 रुपये थे, 100 पर क्या किया गया, 25 की वृद्धि, इसका मतलब हो जाएगा 125 बटे 100। अब इसके बाद कहा गया है और फिर उस पर भी 20% की वृद्धि और करता है, इसका मतलब 120 बटे 100 और हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है 120 बटे 100 और हो गया। इसे हल करेंगे हम, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद देखिए 25 चक्कू 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा 25 पंचे 125, और 4 से काटेंगे तो 4 तीन 12 0, हमारा कितना आ गया है 5 या 15, हमारा कितना निकल गया 150 आ गया है। तो इसका मतलब हमारा है कि SP जो है वो निकल गया है 150। आपको निकालना क्या है, अब लाभ परसेंट कितना होगा। लाभ परसेंट देखिए ऐसे ही कुछ लोग बता देंगे 50% होगा, लेकिन सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कितना होगा 150 हो गया है, कैसे लगाएंगे इसे, सबसे पहले क्या करते हैं प्रॉफिट मतलब लाभ कितना है, तो 100 से 150 इसका मतलब 50 रुपये का लाभ हो गया है, तो 50 बच्चे क्रेमुल कितना है 100 रुपये और गुणा 100, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा कितना आ गया 50%। तो लाभ परसेंट हमारा निकल के आ गया 50, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है 50%। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल अगला क्या कह रहा है हमसे देखिएगा अभी। देखिए सवाल में कहा गया है 4% की साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में किसी मूलधन पर प्राप्त ब्याज 48 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ब्याज दे रखा है और आपको यही पता है कि ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज है। सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे मान लेंगे मूलधन कितना है, हमारा मूलधन 100 रुपये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 बराबर एक्स गुणा 4 गुणा 3 अपान लिखेंगे हम यहाँ पर 100। इसके बाद देखिए हमें हल करना है, इसे कैसे हल करेंगे इसे हम, देखिए 4 तिया कितना होता है 12, हम जब इससे काटेंगे 12 से, तो 12 चौक 48, हमारा 4 बढ़ गया है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा एक्स बराबर 4 गुणा 100, और 100 के 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर अगला में पूछा गया है कि 2250 भाग मिट्टी में 5 भाग गंधक है, तो मिट्टी में गंधक की परसेंटेज कितनी है, प्रतिशतता क्या है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है, जैसे आपके मान लीजिए, जैसे आपसे मान लीजिए कहा गया है कि आपके 20 नंबर में से 5 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज निकालिए, तो आप क्या करते हैं 5/20 गुणा 100 करिएगा और निकाल दीजिएगा, निकल आएगी, ठीक है 20 × 25 100 × 25, तो इसका मतलब 25%। वही काम यहाँ पर करना है, परसेंटेज पूछिए क्या करेंगे 5/2250 और हम क्या करेंगे गुणा 100 करेंगे, हल करेंगे हम कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे देखिए 5 चक्कू 20 × 25 इतना हो गया है,
पाँच नेम 45 और पाँच दूनी 10, हमारा आ गया है 2/9%। ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2/9%। अब देखिएगा अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमसे, राम की आय श्याम की आय से 30% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है। आसन मानदेय मतलब क्या है पॉइंट में आएगा, लेकिन उसके लगभग भी आपको बताना है, ठीक है। राम की आय श्याम से 30% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि राम की आय श्याम से 30% अधिक है। अगर श्याम की आय जो है अगर 100 है तो राम की आय 30% का मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है, इतना अंतर है। हमसे पूछा गया है कि श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है, पहले तो आप अंतर निकालेगा, ताकि कितने का गया 30। अब देख पूछा गया किससे कम है, तो राम से कितने कम है, तो राम की कितनी 130 है, बटे 100 कर लीजिए, गुणा 100 कर लीजिएगा, हल करेंगे 0 0 का समूह खत्म हो जाएगा 300/13। इसे हल करिए, देखिए 13 2 26 बचे 4 हो गए 40, 13 3 39 बचा 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमसे कहा गया आसन मान दें, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ 23% लिख देंगे। ऑप्शन नंबर डी में रखा 23%, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा सवाल अगले में हमसे क्या कहा गया है, राम अपने घर से निकलकर 20 मीटर उत्तर दिशा में चला, वहां से दाएं लेकर 40 मीटर चलता है, जहां से पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर और अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, रुक जाता है, राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। पहले देखिए राम अपने घर से निकला 20 मीटर उत्तर में चला, मतलब यहाँ से निकला है और 20 मीटर उत्तर में चला, इतना चला गया है। इसके बाद आपसे कहा गया है वहाँ से दाएं लेकर 40 मीटर चलता है, वहाँ से दाएं लेकर 40 मीटर चलता है, चल गया यहाँ पर पहुँच गया। फिर लिखा है जहाँ से पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अब यहाँ से सिर्फ कितना चलेगा 10 मीटर चलता है दाएं मुड़कर, हाँ यहाँ पर आ गया। लिखा है फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, यहाँ पर आ गया है, एवं अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर, इसका मतलब बाएं मुड़कर इस प्रकार से 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। पूछा गया है राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ पर है इतनी दूरी निकालनी, ये दूरी कितनी है 20, ये दूरी है, जब 20 दूरी ये वाली 20 है तो ये वाली कितनी बचेगी 20 बचेगी वाली, तो 20 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20। अब देखिएगा सवाल नंबर अगला सवाल देखिए क्या है, 20 मीटर की दूरी के बीच बराबर बराबर दूरी पर 5 खंभे लगे हैं, तो किसी 2 खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देख खंभे कितने लगे हैं 5, आप लोग देखिए सिंपल सवाल लगाइए बिल्कुल बिना गणित, मतलब ऐसे 5 खंभे बनाइए फटाफट, 1 2 3 4 5 खंभे लगा लिए हमने, ठीक है, कह रखा है बराबर दूरी पर लगे हैं मान लिया हमने, तो किसी 2 खंभे के बीच की दूरी है, और दूरी कितनी है 20 मीटर दूरी है, ये पूरी दूरी है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 है, इसका मतलब ये वाली 5 होगी, ये वाली 5, ये वाली 5 और ये वाली 5, हो गई 20 मीटर दूरी, 5 10 15 20, और खंभे भी लग गए हैं, खंभे भी 5 लग गए। पूछा गया किसी 2 खंभे के बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए 5 आगे निकल गए तो 5 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में देखा है 5, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5। अब देखिए अगले सवाल में क्या कहा है, किसी गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रयोग कर प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान पर उचित विकल्प ढूंढें, उचित विकल्प को आपको चूज करना है। देखिए नंबर एक पर देखिए क्या कराया है उन्होंने, 6 कैसे आएगा, अगर हम 8 के 3 में गुणा कर दें और 4 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 24/4, और कितना आ गया हमारा 6 आ गया है, तो 6 दे रखा है। दूसरे की बात की जाए अगर, तो देखिए यहाँ पर इसकी 9 की और 3 की गुणा करें, तो 9 × 3/3 कर दीजिए, 3 3 कट जाएगा, कितना आ गया 9 आ गया। अब इसकी बात करी जाए तो कितना आ जाएगा 12 × 4 करेंगे, ये वाली गुणा इसकी गुणा कर देंगे, अब 4 लिखेंगे, 4 4 कट जाए कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 ऑप्शन नंबर बी में रखा है 12, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, 2:10 पर घड़े की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण आपको बताना है कितना होगा। देखिए हम पहले आपके सामने घड़ी बनाते हैं, देखिए ये आपके सामने घड़ी बन रही है, इसमें 12 1 2 3 इतने रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2:10 का मतलब क्या हुआ कि मिनट की सुई तो यहाँ पर होगी 10 मिनट हैं, और 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2:00 तो छोटी सुई मतलब घंटे की सुई होगी, वो थोड़ी आगे होगी ठीक है, थोड़ी आगे होगी। आपको बताना क्या है सुइयों के बीच का कोण। देखिए जब ये 10 मिनट हैं तो ये मिनट वाली सुई जो जहाँ पर है वो वहाँ पर ही रहेगी, और सिर्फ घंटे वाली सुई जितना आगे बढ़ी है तो उतना कोण निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों घंटे वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में आधा अंश बढ़ती है,
एक मिनट में आधा अंश बढ़ती है। हमसे बात की गई 10 मिनट की, तो 10 मिनट में 1/2 × 10, इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा, 5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 5 अंश मतलब डी ऑप्शन में देखा है 5 अंश, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री। अगला सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपके सामने, देखिए बना हुआ है चित्र, रीजनिंग का सवाल है। 3, 4 तो 5, तो 13, 12 और कितना आएगा। देख कुछ बच्चे सोच लेंगे कि ये एक बढ़ जाएगा 14 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कितना आएगा देखिएगा, आप लोग जानते हैं क्या, आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि 3, 4, 5 कैसे आया है। ये देखिए, अगर हम 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर जोड़ दें तो कितना होगा, 3 × 9, 4 × 16 तो कितना हुआ, 25 हुआ, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 25 हो गया है। इस प्रकार से है, मतलब दोनों का योग कितना है 25। इन दोनों संख्याओं का जोड़ के योग करो और बराबर हो जाएगा इन, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों संख्याओं का योग जो होगा वर्ग करके योग करेंगे वो 13 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, या एक सिंपल सा काम करिए कि 5 वाले में से अगर 3 वाला घटाएंगे वर्ग करके तो 4 वाला बच जाएगा। तो इसी प्रकार से 13 का वर्ग करिए माइनस का 12 का वर्ग करिए, कितना होगा देखिएगा, 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर करिए कितना बच रहा है, 13 × 3 = 169 माइनस 12 × 144 कितना रहा है 25। अब 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन लिखा है 5 5, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में कहा गया है, निम्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर विकल्प में से चूज करिएगा, चुनिएगा अगला चित्र यहाँ पर क्या भरा आएगा। देखिए पहले आपका क्या हुआ, ये तीर जो था वो यहाँ पर था, ये 45 घूम के यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से देखिए ये वाला यहाँ पर आया, ये वाला बढ़ के यहाँ पर आया, ये वाला बढ़ के यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आ गया, तो ये वाला बढ़ के यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी समय रखा है, समय रखा है, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, खाली इसमें नहीं है तो ये घटा है। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है, जो ये चल रहा था श्रृंखला चल रही थी वो पीछे वाला जो है वो एक गायब होता चला गया। देखिए पहले 2 तीर थे, तीर यहाँ पर था फिर गायब हो गया है, फिर ये चलना स्टार्ट हुआ, 2 चले ये भी, फिर ये भी गायब हो गया, ऊपर आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए इसमें से भी गायब हो जाएगा कुछ, देखिए तो तीर तो पहले गायब हो गया हो चुका था, ये वाला भी गायब हो जाएगा, यहाँ आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल है तो डबल का सिंगल यहाँ पर ये वाला आ जाएगा डकला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले हम बात करेंगे अगर असंगत चुन करना है, असंगत कौन सा है, असंगत देखिएगा यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ये भी घड़ी की दिशा में है, सी ऑप्शन जो है वो इसके विपरीत दिशा में है, डी भी घड़ी की दिशा में है, तो सी ऑप्शन जो है ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन असंगत है। इसके बाद देखिए अगले सवाल में से कहा गया है, संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करना है हमें, संबंध स्थापित मतलब क्या करना है, बिल्कुल विपरीत जाना है, पहला जो है वो दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, आपको दिख रहा होगा उल्टा कर दिया है। इसी प्रकार से वाला उल्टा करेंगे हम, तो इस प्रकार से हमारा उल्टा हो गया है, यहाँ पर तीर बन जाएगा इस प्रकार से। और बात रह गई है कि ये वाला हिस्सा काला ब्लैक था, इसलिए वाला हिस्सा ब्लैक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल क्या करें हमसे, अब आगे आपके लिए जीके क्वेश्चन है, पहला है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो है 17 सितंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। तो देखिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कहा गया दक्षेस मतलब सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, कोलंबो। दक्षेस सार्क का मुख्यालय जो है वो है काठमांडू में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। अब देखिएगा अगले सवाल में हमसे कहा गया ओपेक शब्द का विस्तार है, ओपीईसी इसका शब्द का विस्तार क्या है, ओरिएंटल पेट्रोलियम इकोनॉमिक कंट्रीज है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक कंट्रीज है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या ओपन फील्ड पेट्रोलियम एक्सकेवेशन कॉन्फेडरेशन क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपके सामने सी लिखा हुआ है वो सही ही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC की फुल फॉर्म। इसके बाद देखिए बात की जाए अगले क्वेश्चन की, दिखा है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1948, आप लोग इसे भी याद करिएगा। 5 नंबर है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत एवं चीन को विभाजित करती है, ये तो सभी को याद होगा मैक मोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को विभाजित करती है, मैक मोहन रेखा। 6 में से कहा गया है एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो जो एसोसिएटेड प्रेस जो है एजेंसी है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात की आती है क्वेश्चन नंबर 7 के, किस देश की संसद का नाम एल्थिंग है, आयरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, बेलारूस, किसकी जो है देश की संसद का नाम एल्थिंग है आपको इसमें से बताना है। तो आइसलैंड जिसका नाम है उस देश की जो है संसद का नाम है
एल्थिंग आइसलैंड। अगला है नाइचो किस देश के गुप्तचर संस्था है। आपको बताना है कि नाइचो जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो जापान जो है इसकी गुप्त संस्था का नाम है नाइचो। ठीक है, तो जापान हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखिएगा नंबर 9 में कहा गया, निम्न में से कौन एक कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जबलपुर, धनबाद, गिरिडीह, सिंहभूम। तो आपको ऐसे बताना है तो इसका आ जाएगा जबलपुर। जबलपुर जो है जबलपुर, ठीक है, कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो जबलपुर जो है वो नहीं है। इसके बाद देखिएगा शुष्क बर्फ है, आपको बताना है फेरस सल्फेट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, बोरेक्स। तो शुष्क बर्फ है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हमारे जो हैं 30 क्वेश्चन जो है हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।